हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लावा अग्नि 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टच साउंड का, ठीक है। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ना टैप करने पर ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी टच साउंड, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है, ठीक है, या फिर किसी भी ऐप को आपने ओपन कर रखा है, अगर आप उस पेज में या उस ऐप के अंदर अगर आप किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन से कोई भी साउंड की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो टच करने पे कोई भी साउंड की आवाज नहीं आएगी आपके फोन में, ये सेटिंग जो इस तरीके से काम करेगी डिसेबल करने के बाद। अब मैं आपको जो है ना ये टच साउंड सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है, इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर यह ऑप्शन मिलता है सर्च सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच साउंड का, इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको टच साउंड का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे साउंड लिखा होगा। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।